Hello students, let's start our today's math class. And in this class we are going to start a new exercise, that is exercise 3.3. This exercise is also related to factors only, but in this exercise we are going to learn to find factors with four different methods. First method is listing method, second method is short division method, third is long division method. Long division method is also known as continued division method. And fourth method is prime factorization method. Okay, so directly starting with the exercise only, because in this exercise we have given questions related to all the four methods. So come to page number 63. Let's start. Okay, question number first. Find the HCF of the following set of the numbers by listing factor method. HCF means highest common factor. मतलब अभी तक अपन factors find कर रहे थे और उनमें से common factors भी find कर रहे थे. अब ये भी find करना है कि उसमें से highest common factor कौन सा है. First method is listing method. ये method अपन अभी तक कर दे ही आ रहे हैं. In this method what we have to do? Just look at here. I am solving question number A and D. B and C you will do. Okay. So let's start with A1. 18 and 27. Factors of 18. Factors kya hota hai? Given number kis table mein aata hai? To 18. 18 kis table mein aata hai? 1 mein har ek number aata hai. Isliye 1. F1 is the factor of every number. 1 mein aata hai. 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी आता है और next 9 और then last one is 18. इनके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 18 आता हो. Next 27. 27 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 27 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6, 7 नहीं आता, 9 में आता है, कितनी बार? 3 बार. और उसके बाद में सिर्फ 27 के टेबल में ही आता है. इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 27 आता हो. ओके, सबसे पहले फैक्टर फाइंड किए. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? इनमें से कॉमन कौन-कौन से है वो फाइंड करना है. तो दोनों में से कॉमन 1, 3 और 9. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, 3 और 9. अब इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 9. तो हाईएस्ट कॉमन करके 9. हाईएस्ट मतलब बड़ा. तो क्या हो गया? 9. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज डी. 27, 54 एंड 45. फर्स्ट स्टेप इज राइट ऑल द फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 27 इज 27 1, 3, 9 एंड 27. ऊपर फाइंड किया ही था. नेक्स्ट 54. 54 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो. 6 में आता है, 9 में, 27 और लास्ट 54. 45 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45. ये सारे क्या है? इनके फैक्टर्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर. तो कॉमन क्या होगा इनसे? 1, 3 एंड 9. इसमें भी सेम 1, 3 एंड 9 कॉमन आए, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? 9. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये मेथड भी अपन ने लास्ट लेक्चर में ही किया है. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मतलब इस तरह से पहले सारे फैक्टर्स फाइंड कर लो और उसमें से बाकी जो भी कॉमन है. तो सबसे पहले आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर ए. ओके, 304. तो 304 किस किस टेबल में आता है? लास्ट से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं. 4, 4 2 के टेबल में आता है. यस, तो 304 भी आता है कितनी बार? 152 टाइम्स. 152 भी 2 के टेबल में आता है 76 टाइम्स. नाउ 76 आता है 38 टाइम्स, 2 आता है 19 टाइम्स,
110. ये तब तक करना है जब तक लास्ट नंबर क्या नहीं आ जाता, 1. आफ्टर दैट अगर आप इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 304 आना चाहिए. अगर नहीं आएगा दैट मीन्स यू गो रॉन्ग. 180 90, 90, 2 की टेबल में आता है 90 टाइम्स. 2 की टेबल में 90 आता है 45 टाइम्स. 45 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है 15 टाइम्स. 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स. 5 5 की टेबल में आता है 1 टाइम. ओके, नाउ राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स. 304 के फैक्टर्स क्या हो गए, 180 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 3 3 5. अब इसमें से क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. 2 है दोनों में तो एक बार लिख दिया, दूसरी बार भी है तो दूसरी बार लिख दिया. अब 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है और 19 भी नहीं, मतलब सिर्फ 2 एंड 2 यही दोनों कॉमन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 4. देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4. इन दोनों में से हाईएस्ट क्या आ गया, कॉमन 4. One more question I am solving, that is question number D. 88, 64, 90 and 30. Firstly, what we will do? We will find all the factors. So, 88, 2 ki table mein? Yes, aata hai. After that, kitni baar aata hai wo? 44 times. Then, 2 ki table mein 44 aata hai 22 times. 22, 2 ki table mein aata hai 11 times. Or 11, 11 ki table mein aata hai 1 time. 64 2 की टेबल में आता है 32 टाइम्स. 2 की टेबल में 32 आता है 16 टाइम. 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम. 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम. 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम. सिमिलरली इन दोनों के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 90 आता है 2 की टेबल में 45 टाइम्स. 45 2 की टेबल में नहीं आता है, किसमें आता है 3 की टेबल में 15 टाइम्स. 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स और 5 आता है 1 टाइम. नेक्स्ट 30. ये सारे फैक्टर्स डिवाइड कर करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर किस टेबल में कितनी बार आता है. ओके, अगर आप ओरली डिवाइड कर सकते हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप रफली लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो. 2 की टेबल में 30, यस 15 टाइम्स. 2 की टेबल में नहीं आता है 15. 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 की टेबल में 1 टाइम. तो ये सारे फैक्टर्स साइन लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब कॉमन निकालना है. सबसे पहले इन सबके फैक्टर्स लिख दो. अभी सबसे कॉमन क्या है, 2 सब में आ रहा है. उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि सब में आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो 3 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है. 5 भी इसमें है बट इन दोनों में नहीं है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस इज आवर थर्ड मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, आपको जब तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक अपना रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए 175 एंड 625. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, मतलब डिवाइड करना है. तो डिवीजन करते वक्त सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइजर. डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर से बड़ा होता है. तो अपन बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आप डिविडेंड 175 लिख दो और डिवाइजर 625, दैन तो वो डिवाइड होगा ही नहीं. तो 625 इज आर डिविडेंड एंड 175
That is question number. Okay. That is 224. So, 1440. So, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे तीन digit का divide है long division से. तो सबसे पहले सबसे छोटा number क्या है? 224. So, 224 will be our divisor. So, kita ada 160.
शॉर्ट डिवीजन में
नंबर 4. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन आल्सो देयर आर 4 क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन टू दैट इज ए एंड सी. बी एंड डी यू विल ट्राई. ओके, इफ यू फाइंड एनी क्वेरी रिलेटेड दैट यू कैन क्लियर इट इन योर गूगल मीट क्लास. फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 224, 150 एंड 350 एग्जैक्टली. अभी तक जो कर रहे हैं वही फाइंड करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इस क्वेश्चन को आप अपन ने चार मेथड किए, लिस्टिंग मेथड, शॉर्ट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन और प्राइम मेथड. तो आप इस क्वेश्चन को चारों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया बिकॉज मुझे ये थोड़ा कंफर्टेबल लगता है. 224, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए. 150 के फैक्टर्स और 350 के फैक्टर्स जैसे अपन अभी तक कर रहे थे, अब 224 के. आई होप सो फैक्टर्स को अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से फाइंड करें. अब इन तीनों के फैक्टर्स लिस्ट कर लो. आफ्टर दैट जो भी कॉमन है वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसमें 222. आफ्टर दैट कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो तीनों, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर next question we will do in our next